पढ़ने का नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। इसमें AR और AI एनिमेशन तकनीक का इस्तेमाल कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिन एलिमेंट्स को पहले किताबों और टीवी में दिखाकर ही बच्चों को समझाया जाता था, अब वे क्लासरूम में बच्चों के बीच चलते फिरते देखे और महसूस किए जा सकते हैं। आधुनिक तकनीक पर आधारित ये उपकरण शिक्षा को नई दिशा देने में सहयोगी होगा। विद्याश्रम पब्लिक स्कूल पिलानी के डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि बेहतर एजुकेशन के लिए शुरू हुई ये नई सुविधा खास तौर पर उन बच्चों के लिए तैयार की गई है जिनके मन में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होती है। जंगल कैसा होता है, कौन सा जानवर कैसा दिखता है, इन्हीं सवालों के जवाब दिलचस्प तरीके से देने के लिए फाइसर्व कंपनी ने एनिमेशन पर आधारित डिवाइस तैयार किया है। इसके जरिए बच्चों के तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे वो जंगल में रहने वाले शेर, हाथी, डायनासोर, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पौधों पर मुस्कुराते फूल या फिर यातायात के साधन ही क्यों ना हो, सरल नाम से बना ये डिवाइस प्रोजेक्टर से जोड़कर उपयोग में लिया जाता है। हमने एजुकेशन में बड़े अच्छे नवाचार करे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज इस टेक्नोलॉजी की तरह स्टडी इतनी स्मूथ हो गई है, इतनी लर्निंग कैपेसिटी बच्चों की बढ़ गई है। स्पेशली हमने जूनियर क्लासेस में ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिससे बच्चों को जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में बच्चे रियल फील करते हैं। अगर हमें उन्हें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं या कोई जंगल के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं तो हम उसको वीडियो के थ्रू बच्चों को उसका टच एक्सपीरियंस फील करवाते हैं। और वो करेंगे अभी।